है प्लीज हेल्प शराब अगर तुमने अब की बार जुबान चलाई ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मुझे डर लगता है मेरे से प्लीज <laughs> हेल्प डर डर एक ऐसी चीज है जो सबसे अमीर इंसान को भी लगती है और फिर मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है पर प्लीज मुझे घर जाने दो मेरा भी एक परिवार है तुम्हारा परिवार ये तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा था अरे मेरे भी कुछ सपने थे मुझे भी एक ऐसा परिवार चाहिए था जो मुझे प्यार करे मुझे भी एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे सिर्फ मैं पसंद हूँ मैं म, म, मैंने कुछ नहीं किया मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ यू आर सीरियसली सो डम इट्स मी हर्षित हर्षित तुम तो निशा के एक्स हो ना, जिसे उसे ने किया था नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसने तो मुझे यह भी बताया था कि तुम नाजायज़ हो और ऐसे बच्चे हो जिसकी माँ को भी नहीं पता उसका कोई बच्चा है मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं मैं नाजायज़ नहीं हूँ समझे मैं ये अपने मन से नहीं बना रहा हूं पर जस्ट थिंक अबाउट इट अ रिच ब्रेड चेक मोमी डैडी शूज चेक सेल्फ ऑबजस्ट चेक रिलेशनशिप इशूज़ चेक चेक एंड चेक अगर आप तुमने मेरे बारे में एक और वर्ड बोला ना तो मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली छीन लूँगा जिस तरह तुमने मेरी छीनी थी नहीं, नहीं प्लीज़ अरे पॉइंट तो ये है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया मुझे छोड़ कर चले गए मैं जाना नहीं चाहता था पर तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा यू ऑलवेज है चॉइस ऑलवेज देखो अब जो भी हुआ आई एम सो सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो नहीं बिल्कुल भी नहीं अब मैं तुम्हें एक मौका भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा अगर तुम मुझे खत्म भी कर दोगे <laughs> तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा एक टुकड़ा हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा जिससे तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे तुमने आज तक मेरी फिक्र नहीं की तो अब भी मत करो समझे मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा नहीं रुको रुको छोड़ दो नहीं।